सीरियल अनुपमा में आखिर क्यों अनुपमा के साथ साथ अनुज ने भी जोड़े मालती देवी के आगे हाथ, बैठा अपने घुटनों पर। क्या अलग करना चाहती है मालती देवी अनुज और अनुपमा को? लेकिन अनुज को ये सब करने की क्या जरूरत आन पड़ी? चलिए हम आपको बताएंगे पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा, जहां पर अनुपमा ने लिया वही फैसला जो हमने आपको बहुत पहले बता दिया था। हमने आपको बता दिया था कि अनुज को भी मना करेगी अनुपमा और बा को भी मना करेगी, और अगर वो जाएगी कहीं तो वो सिर्फ और सिर्फ जाएगी मालती देवी के पास, क्योंकि उसने गुरु माँ को वचन दिया है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई अच्छे से निभाएंगी। अब ऐसे में वहां पर जब जाएगी अनुपमा तो पूरी की पूरी मीडिया वहां पर आई होगी, और मीडिया आकर अनुपमा से खूब सारे सवाल करेगी और इस इवेंट का लाइव टेलीकास्ट होगा। अनुज को अनुपमा ने मना तो कर दिया, लेकिन जब टीवी पर अपनी अनुपमा को इतने अच्छे से देखेगा अनुज कि अनुपमा इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है और ये उसके लिए गर्व का पल है, तो ऐसे में अनुज सोचेगा कि मुझे मेरी अनु के साथ होना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए। और अनुज जाएगा अनुपमा के उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए, और यहाँ पर अनुपमा डांस कर रही होगी प्यार किया तो डरना क्या गाने पर मुगले आजम के, और ऐसे में देखकर अपने अनुज को वो खुशी से फूले नहीं समाएगी। और मालती देवी भी नोटिस कर लेगी अनुपमा के चेहरे की मुस्कान जब वो अनुज को देखेगी, और समझ जाएगी कि अनुपमा की असली खुशी अगर किसी से है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुज है। अब ऐसे में यहाँ पर मालती देवी बहुत बड़ा ऑफर देने वाली है अनुज को। जी हाँ, मालती देवी जो कि अनुपमा को पसंद करने लगी है, क्योंकि अनुपमा इतनी इज्जत देती है मालती देवी को, इतना प्यार देती है जो आज तक किसी ने नहीं दिया। अब ऐसे में यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये आएगा कि मालती देवी अनुज को बोलेगी कि अनुज क्या तुम मेरे साथ यूएस चलोगे, क्योंकि मैंने एक चीज तो देख ली कि अनुपमा सबसे अच्छा तभी डांस कर सकती है जब वो खुश होती है, और वो खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है उसकी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अनुज मालती देवी की इस डील को एक्सेप्ट करता है या नहीं, लेकिन हाँ, वो इस डील के लिए मालती देवी को हाथ जोड़कर थैंक्स तो जरूर बोलने वाला है। दोस्तों, कितने एक्साइटेड हैं आप इस ट्विस्ट को देखने के लिए? हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें।